बैक टू अनदर ब्लॉग। और मैं आ चुका हूँ आशीष भाई के यहाँ, और यहाँ से भी कोलकाता जैसे कल पहुँचे और उसके बाद आशीष भाई के यहाँ आए हैं, और यहाँ पे अरविंद के दोस्त लोग हैं, इधर सभी निकल रहे हैं बाहर की तरफ और चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं कि कोलकाता में किस तरीके से चाय की टपरी पे आप मजा ले सकते हैं। तो पीछे सभी निकल रहे हैं, मैं भी निकल रहा हूँ, तो चलिए पहुँचते हैं चाय की टपरी पे और करते हैं इस ब्लॉग को कंटिन्यू। मैं हूँ आपका दोस्त होस्ट नीतीश राठौर, बन रहे इस ब्लॉग में मेरे साथ। चलिए कोलकाता की मसरूफ गलियों में आपका स्वागत है। यहाँ पे है ये रोड क्रॉसिंग एरिया, और कुछ इस तरीके से रोड क्रॉसिंग के लिए आपको इतना स्ट्रगल करना पड़ सकता है। ये मुजफ्फरपुर की छोटी गलियाँ नहीं है, यहाँ पे सावधानी बनाए रखे जीवन के लिए बेहतरीन हो सकता है। चलिए 1 2 3 करते हैं सड़क पार, और भीड़ काफ़ी ज़्यादा है इस बीच, देखिए कितनी तेज़ी में रोड क्रॉस करना पड़ता है। काफ़ी मज़ेदार कोलकाता का ये पहला एक्सपीरियंस ऑन द रोड मैं ले रहा हूँ, और इस बीच अब बिहार का क्या इन्वायरमेंट है पता नहीं, अपने फ़ोन को यहाँ पे बचाना कितना इम्पोर्टेंट है ये मैं नहीं जानता। बिहार की सड़कों पे आप इस तरीके से खुलेआम रोड पार नहीं कर सकते, आपको थोड़ा सा रोड पार करते हुए अपने जान के साथ साथ अपने मोबाइल और सामान की भी रक्षा करनी उतनी ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो चलिए निकल रहे हैं चाय की टपरी की तरफ, देखते हैं खूबसूरत लोग यहाँ पर आगे पीछे, आप समझ सकते हैं भावनाएँ हमारी। और ये है आशीष है, और उसके साथ है उनके कॉलेज के दोस्त लोग, और पीछे मेरे पीछे छुपा हुआ है, अरे दिखाओ भाई, ये है मेरे बचपन का दोस्त, हम लोग बुलाते हैं चुग्गू इसको, और कोलकाता में आशीष के साथ ये रहता है। बाद बाकी जो आशीष के 2-3 दोस्त हैं कॉलेज फ्रेंड्स हैं, मैं आज ही उनसे मिला हूँ, तो मुझे उनका एग्जैक्ट नाम याद नहीं है। तो अभी अपन लोग सर्च में हैं चाय के, ये देखिए ये बेहतरीन एरिया आप पीछे देख सकते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे पब्लिक से? कुछ कहिए, ये जो बंगाल का एरिया है, बंगाल का बहुत ही फेमस जगह, हम लोग नहीं जा रहे हैं अभी, हम लोग मोस्टली चाय ढूंढ रहे हैं, आप इस चीज़ को गलत तरीके में ना लें। ये काफ़ी है सेल्फी स्टिक का थोड़ा एक फ़ायदा होता है कि हम दूर से आपको चीज़ें दिखा सकते हैं, पीछे आप देख सकते हैं, सॉल्यूशन लेते रहिए, आप समझ सकते हैं बेहतरीन सॉल्यूशन हैं यहाँ पर। चलिए, और ये हमारे हाथ में चाय की कप्पी, और ये जो है कि काफ़ी छोटा रहा अपने शहर के हिसाब से देखें तो, अपने शहर में यानी कि बिहार की बात करें तो वहाँ पे जो है कि इसका जो आकार है थोड़ा सा बड़ा होता है, साइज़ जो होता है वो बड़ा होता है, यहाँ पे कि बिल्कुल छोटा है, लेकिन चाय काफ़ी बेहतरीन था। और यहाँ पे ये हमारे भाई हैं, ये आशीष के साथ पढ़ता है, 3rd ईयर में भी कर रहा है सिविल, और इधर भी एक इंजीनियर है, ये भाई टॉपर ऊपर है शायद, और इधर एक दो लौंडा इधर भी है दिखाई दे रहे तुम लोग। और अभी एक मास्क खरीदा था 10 रुपये में, और वो 10 मिनट भी नहीं चला, अभी एंट्री लेने ही वाले थे मॉल में, उससे पहले ही टूट गया, तो फिर अभी हमने 20 रुपये का लिया है, अगर ये टूट गया तो अगली बार 40 का लूँगा, 10 का 20 40, अब अगली वो भी टूट जाए तो 80 का, ऐसे ही अपन लोग डबल करते हैं, 2 दिन में पैसा डबल, ऐसा अपना जो है कि पैराडिगम चल रहा है अभी। तो चलिए, ये है बाजू में एक्रोपोलिस मॉल, और मास्क तो लगा लिया हमने, अब देखते हैं एंट्री में कितना लोचा होता है, अंदर में ब्लॉकिंग का जो है वो परमिशन में अलाउड है कि नहीं है, फिर भी कोशिश करेंगे जितना हिस्सा आपको दिखा पाए दिखाएंगे ज़रूर। चलिए फिर, ये है एक्रोपोलिस मॉल, और यहाँ पे हम लोग लेने वाले एंट्री, देखते हैं कि ब्लॉगिंग का हिस्सा यहाँ पे अलाउड है कि नहीं। मेरे साथ है ये हमारे दोस्त, स्माइल प्लीज। और ये है एक्रोपोलिस मॉल, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से अंदर अपन देख रहे हैं, जा रहे हैं अभी ऊपर की तरफ, लेडर्स पे हैं, ब्लॉगिंग के लिए पता नहीं कितना अलाउ किया गया है, लेकिन आपको मैं दिखाऊंगा इसका एक फ्रंट व्यू, की दिखाते हैं कितना बेहतरीन मॉल है कोलकाता का। चलिए देखते हैं कितना ब्लॉगिंग कर सकते हैं, कितना अलाउड है हमें, फिर भी कोशिश करते हैं कि जितना मोस्ट ऑफ द पार्ट हो मैं आपको दिखा पाऊँ। यहाँ पे काफ़ी जो बेहतरीन शोरूम आपको देखने को मिलेगा मेरे साइट में है, यहाँ पे लिनोवो वगैरह का भी है, और काफ़ी मतलब कि आप जो भी सोच सकते हैं, जो भी ब्रांड सब सोच सकते हैं, मिडिल क्लास सोच सकता है, एक एवरेज इंसान वो यहाँ पे मौजूद है, पीछे देख सकते हैं गुची अरमानी से लेके बीवा से लेके स्पेंसर्स और वन प्लस आईफोन जो भी आप चाहें मिल सकता है आपको, ये काफ़ी बेहतरीन लोकेशन हो सकता है इसके लिए आप चाहें, काफ़ी बेहतरीन मॉल है ये, और सब्जी का भी एरिया है यहाँ पर आप आ सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन है।
स्पेंसर्स वगैरह हैं, जो भी धनी लोग हैं वहाँ यहाँ पे आ सकते हैं। और आप देख सकते हैं इधर बाजू में जो भी आपको शोरूम्स वगैरह आपको काफ़ी बेहतरीन सिनेपोलिस से लेके बेंगलोर मान्यवर्स लेके एक एक ब्रांड आपको मिलेगा। जो भी है एक ओवरऑल व्यू मैं आपको दिखाऊंगा सबसे ऊपर वाले तल्ले से। और ये है पीछे बर्गर किंग। तो हालांकि कोई बजट था नहीं कि हम यहाँ पे आके पार्टी करेंगे इतने बड़े मॉल में, लेकिन अचानक से अब दोस्तों की मर्जी थी कि चलो भैया थोड़ा सा बजट बढ़ा दिया जाए, तो हमने बढ़ा दिया थोड़ा सा बजट और बर्गर किंग में हो रही है पार्टी। बाद बाकी दोस्त हमारे वेट कर रहे हैं टेबल पे, तो चलते हैं। ब्लॉगिंग यहाँ पे अलाउड नहीं है, 3-4 बार मुझे टोका जा चुका है इससे पहले कि FIR कर दिया जाए, मैं ब्लॉग बंद करता हूँ इसको। तो चलिए ख़त्म करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे और मिलते हैं आप सभी से अगले ब्लॉग में। ये था एक्रोपोलिस मॉल कोलकाता का और यहाँ से हम कर रहे थे ब्लॉगिंग। तो इस ब्लॉग में इतना ही और फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भूलिएगा नहीं। बनाए थे, तुम भी तो था।